आलू का पराठा, गोभी का पराठा, पनीर का पराठा, प्याज का पराठा, दाल का पराठा, मटर का पराठा, इन सब में क्या कॉमन है बताइए बताइए। हाँ भाई, पराठे तो हैं ही, लेकिन ये सारे स्टफ्ड पराठे हैं। तो आज बनेगा मूंग की दाल का पराठा। तो इसमें नया क्या है? तो भाई नया ये है कि ये पराठे स्टफ्ड नहीं है, और इन पराठों को बनाने के लिए ना हमें दाल को पीसना होगा, ना ही इसे पकाना होगा। फिर भी ये पराठे बनेंगे काफी क्रिस्प और डिलीशियस, और इसी के साथ साथ हेल्दी भी। मूंग दाल के है ना, तो प्रोटीन रिच है। तो ये हैं राजस्थान के फेमस मूंग दाल के पराठे, और इनको एंजॉय करने के लिए इसी के साथ साथ में बोनस एक बनाएंगे 5 मिनट वाला गाजर और मूली का अचार भी, जो इन पराठों का मजा दुगना कर देगा। वैसे आपके फेवरेट पराठे कौन से हैं, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर अभी तक मैंने उसका वीडियो आपके साथ शेयर नहीं किया है तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी बहुत जल्दी। अब इसके लिए ऑफकोर्स दाल तो हमको भिगो करके पहले से रखनी पड़ेगी। इसके बाद हम इसका एक डो बना लेंगे, और उसके बाद अपने पराठे सेक लेंगे। और इन पराठों को आप सुबह के नाश्ते में, बच्चों के या हस्बैंड के, या अपने टिफिन में ले जा सकते हैं, या फिर डिनर में भी इंजॉय कर सकते हैं। वो जो गाजर मूली वाला अचार मैं सिखाने जा रही हूँ ना, 5 मिनट वाला, उसके साथ। तो फिर शुरू करें। तो ये 1 कप मूंग दाल है जिसे मैंने भिगो करके ऑलरेडी रख लिया था। अब ये 4 से 5 घंटे मिनिमम आप या तो सोक कीजिए, या अगर सुबह नाश्ते में बनाना है तो आप इसको ओवरनाइट सोक करके रख सकते हैं। अब देखिए, ये दाल बिल्कुल इस तरह से टूट जानी चाहिए, व्हेन यू प्रेस इट बिटवीन योर फिंगर्स, देख रहे हैं। अगर ऐसे रेडी नहीं है तो इसे थोड़ी देर के लिए और सोक कर दीजिएगा। और अब ये जितना पानी है ना, जिसमें हमने दाल को सोक करके रखा था, ये सारा पानी हम डिस्कार्ड कर देंगे। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इसका। तो याद है ना आपको, नानी, दादी, माँ क्या करती थी, दाल चावल जब भी भिगो करके रखती तो उसका पानी जरूर फेंक देती, और भिगो करके जरूर रखते। क्यों? अगर आप उनसे पूछें तो वो कहते कि ऐसा करने से गैस नहीं होती है। तो नानी दादी तो नहीं जानती थी, लेकिन कारण ये है कि हर ग्रेन, दाल चावल, इन सब में होता है फाइटिक एसिड, और ये फाइटिक एसिड जो है ना, ये वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि पानी में घुल जाता है। अब ये फाइटिक एसिड क्या करता है, खाने को पचाने से आपके स्टमक को रोकता है, यानी कि इनडाइजेशन पैदा करता है, गैस पैदा करता है, खाना अच्छे से पचता नहीं है। इसीलिए इस पानी को डिस्कार्ड कर देने से आपने अपने दाल या चावल में फाइटिक एसिड की जो मात्रा है उसको कर दिया कम। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टिप है ये। तो ये दाल का सारा पानी निकाल करके ना, उसे मैंने अपनी परात में ले लिया है, और अब इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, फ्रेश और पाउडर दोनों। तो पहले तो ऐड कर रही हूं मैं इसमें ये बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, इसी के साथ साथ बारीक कटी हुई अदरक, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, बारीक कटी हुई हरी धनिया। अब ये थोड़ी सी अजवाइन है मेरे पास, जिसे मैं अपने हाथों के बीच में ऐसे रगड़ करके ना तब ऐड करूंगी, ऐसा करने से ये और फ्रेग्रेंट हो जाएगी। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें 1 चुटकी हींग भी। वैसे तो ये मूंग की दाल है, बहुत जल्दी पच जाती है, लेकिन हाँ, थोड़ी सी हींग डाल देने से ना इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। अब अगर आप चाहें तो इसमें बारीक कटा हुआ प्याज भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं करने जा रही हूं। प्याज डालते वक्त ना अक्सर एक प्रॉब्लम आती है, और वो ये कि डो में अगर आपने प्याज मिलाया है ना, तो डो रखे रखे थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो सिंपल रीजन, ये जो प्याज है, डो के अंदर का नमक अब्सॉर्ब करेगा, पानी छोड़ देगा, एज अ रिजल्ट आपका डो जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाए, हमेशा की तरह एक छोटा सा टिप आजमाया जाए, और वो ये कि इस प्याज को ले लेंगे हम एक बोल में, और इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच नमक, इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और आप नोटिस करेंगे प्याज पानी छोड़ देगा। अब ये सारा पानी हम स्क्वीज आउट कर देंगे और इसे अपने दाल में मिला लेंगे। अब पहले आप दाल को इन सब चीजों के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब जितनी मैंने दाल ली है ना, उसका दुगना ऐड करूंगी मैं इसमें आटा, यानी कि अगर मैंने 1 कप दाल ली थी
तो अब इसमें ऐड करूंगी यहाँ पर 2 कप आटा और पहले उस आटे के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और जैसे मैंने कहा इसका एक स्मूथ डो बना लेंगे। अब इस डो को कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए आप अच्छे से नीड कर लीजिएगा ताकि इस डो में थोड़ा सा लचीलापन आ जाए। वंस वी हैव अ सॉफ्ट एंड स्मूथ डो रेडी लाइक दिस, हम ऐड कर देंगे इसमें 2 चम्मच तेल और फिर इसे 2 मिनट के लिए नीड कर लेंगे। अब इस तेल को ऐड करने से क्या होगा, हमारे पराठे जो हैं वो ज्यादा एक्स्ट्रा क्रिस्प बनेंगे। अब 10 से 15 मिनट के लिए कम से कम आप इस डो को रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिएगा ताकि ये डो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तब तक हमारा वो 5 मिनट वाला गाजर मूली का अचार है ना, उसे बना लेंगे। अब अचार बनाने के लिए मैंने गाजर और मूली दोनों को इस तरह से देखिए ऐसे लंबे लंबे पीसेस में कट करके रख लिया है। इसी के साथ मेरे पास है यहाँ पर ये हरी मिर्च भी, इस हरी मिर्च को मैं स्लिट कर लूंगी आधे में ताकि ये मसाले को अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले। तो अब कढ़ाई में लेते हैं पहले 3 टेबलस्पून सरसों का तेल और इस तेल को पहले अच्छे से हम गरम हो जाने देंगे। तेल अब अच्छे से गरम हो चुका है, धुआं आ चुका है इसमें, तो अब गैस को कर देंगे हम धीमा और पहले इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे और तब ऐड करेंगे इसमें अपने स्पाइसेस, नहीं तो हमारे स्पाइसेस जल जाएंगे ना। ऐड करेंगे इसमें 1/2 छोटा चम्मच सौंफ, 1/2 छोटी चम्मच मेथी, 1/4 चम्मच कलौंजी और ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच पिसी हुई सरसों और अब ऐड कर देंगे इसमें ये गाजर और मूली, इसी के साथ साथ ये हरी मिर्च भी और नमक स्वाद अनुसार। अब 3 से 4 मिनट इसको पका लेने के बाद गैस को हम कर देंगे बंद और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून सफेद सिरका। अगर आप इसमें ये सिरका ना ऐड करना चाहें तो आप इसकी जगह ऐड कर सकते हैं नींबू का रस भी। तो सिरका डालने से क्या होता है, ये अचार जल्दी खराब नहीं होता है और अगर आप ना डालें नींबू का रस डालें तो भी बढ़िया चलेगा, बस आप इसे रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर कीजिएगा और 10 से 15 दिन तक तो आप इसे आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो हमारा अचार भी हो गया रेडी। अब वो जो आटा हमने गूंद करके रखा हुआ था वो भी रेस्ट कर चुका है, तो इस आटे को 1 मिनट के लिए हम दोबारा से नीड कर लेंगे और फिर इसके हम पराठे बना लेंगे। डन। तो चलिए अब तवा चढ़ाते हैं और पराठे बनाते हैं। हाफवे थ्रू आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया और स्प्रिंकल करके तब इसे रोल कर सकते हैं। अब क्योंकि ये दाल के पराठे हैं ना, तो आप नोटिस करेंगे ये उतने गोल नहीं बनते हैं या साइड से थोड़े से इवन नहीं आते हैं, और अगर आप इन्हें बिल्कुल वो गोल गोल इवन बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टील के ढक्कन के साथ इसे कट कर सकते हैं, सारे पराठे एक ही साइज के बन जाएंगे। अब इन्हें सेक लिया जाए। मैं जानती हूँ कि आप क्या पूछेंगे कि पंकज जी दाल तो कच्ची थी, क्या ये दाल पराठे के साथ पक जाएगी? तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए क्योंकि ये मूंग दाल है, ये तुरंत के तुरंत पक जाती है, इसीलिए धीमी धीमी आंच में जब आप अपना पराठा सेकेंगे ना तो ये दाल पराठे के साथ इजीली पक जाएगी। अब देखिए जब ये पराठा ऊपर से फर्म होने लग जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा ना, तब इसे पलट कर हम दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। एक पराठा डन, ऐसे ही और पराठे सेक लिए जाए। अब आप भी ये राजस्थानी स्पेशल मूंगरे पराठे यानी कि मूंग दाल के पराठे घर में जरूर ट्राई कीजिएगा मेरे इस 5 मिनट वाले अचार के साथ और मुझे जरूर बताइएगा सबको कैसे लगे।